हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल सिविल नोटबुक। फ्रेंड्स, आज की वीडियो पे हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सोरिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे सोरिंग क्या होता है, सोरिंग का टाइप्स क्या क्या है और कहाँ पर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो पे जरूर अंत तक बने रहिए। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम, लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। सो फ्रेंड्स, पहले हम लोग समझते हैं सोरिंग क्या होता है। ओके, यहाँ मान लीजिए आपके पास कोई स्ट्रक्चर है जो कि डैमेज हुआ है, इसके वजह से उस पर सोए हुआ है। आप उस स्ट्रक्चर को रिपेयर करना चाहते हैं या फिर आपने एक्सकैवेशन किया है, तो उस केस पे सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, एक एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम लोग सोरिंग का यूज करते हैं। और सोरिंग मटेरियल के तौर पर हम लोग वुड का यूज कर सकते हैं, वुडन प्लैंक हो गया, स्टील बीम्स वगैरह हो गया, हाइड्रोलिक जैक हो गया, ये सब हम लोग यूज करते हैं। तो ये है सोरिंग। अब फ्रेंड्स, हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ सोरिंग के बारे में। पहला टाइप है रैकिंग सोरिंग, दूसरा फ्लाइंग सोरिंग, तीसरा वर्टिकल सोरिंग और चौथा है हाइड्रोलिक सोरिंग। ओके, तो इन चारों टाइप की सोरिंग के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं रैकिंग सोरिंग क्या होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, रैकिंग सोरिंग पे हम लोग स्ट्रक्चर को एक लैटरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पर जो सपोर्ट है ये इंक्लाइंड होता है। ओके, ये जनरली 45 डिग्री से लेके 75 डिग्री एंगल पे ये इंक्लाइंड होता है। अब ये जो एंगल है ये डिपेंड करता है सॉयल की टाइप के ऊपर, इसके बाद कितना हम लोगों ने डेप्थ तक एक्सकेवेशन किया है, स्ट्रक्चर की लोड कितना है, तो इनके ऊपर डिपेंड करता है एंगल कितना होगा। दोस्तों, रैकिंग सोरिंग की कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है रैकर्स और इंक्लाइन मेंबर। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रैकर और इंक्लाइन मेंबर, वॉल प्लेट, यहाँ पर आप देख पाएंगे ये क्या है दोस्तों, वॉल प्लेट, क्लीट्स, ब्रेसिंग, सोल प्लेट। तो ये कुछ मेन कंपोनेंट्स है रैकिंग सोरिंग की। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ सोरिंग है फ्लाइंग सोरिंग। दोस्तों, फ्लाइंग सोरिंग पे क्या होता है, जहाँ पर हम लोग रैकिंग सोरिंग या फिर कॉन्वेंशनल सोरिंग हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं, ओके, उतना स्पेस वगैरह नहीं होता है, तो वहाँ पर हम लोग फ्लाइंग सोरिंग का यूज करते हैं। ओके, ये बहुत ही इफेक्टिव होता है। सो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर अगर दो साइड पे कोई पार्टी वॉल है, बीच में अगर हम लोग कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं या फिर रिपेयरिंग वर्क करना चाह रहे हैं, तो उस केस पे फ्लाइंग सोरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग एक हॉरिजेंटल बीम प्रोवाइड करते हैं मिडिल पे जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया दोस्तों फ्लाइंग सोरिंग। ओके, और यहाँ पर जो अरेंजमेंट वगैरह होगा ये डिपेंड करेगा दोनों वॉल के बीच में डिस्टेंस क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ सोरिंग है वर्टिकल सोरिंग। नाम से ही आपको पता चल रहा है वर्टिकल सोरिंग मतलब यहाँ पर जो डेड लोड है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड्स काम करता है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए हम लोग वर्टिकल सोरिंग का यूज करते हैं। ओके, सो वर्टिकल सोरिंग पे हम लोग वुडन पोस्ट, स्टील बीम्स वगैरह हम लोग यूज करते हैं जो कि वर्टिकली एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ओके, अब नेक्स्ट टाइप ऑफ सोरिंग है हाइड्रोलिक सोरिंग। तो यहाँ पर आप पिक्चर पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों ने दोनों साइड पे एक्सकैवेशन किया हुआ है और बीच में देखिए यहाँ पर हम लोगों ने हाइड्रोलिक जैक लगा के रखा है। ओके, तो यहाँ पर हाइड्रोलिक प्रेशर काम करता है। सो फ्रेंड्स, जहाँ पर आपको बहुत ही जल्दी जल्दी वर्क करना होता है और इफेक्टिवली काम करना होता है, तो वहाँ पर हाइड्रोलिक सोरिंग बेस्ट होता है। ओके, सो फ्रेंड्स, ये हो गया चार टाइप ऑफ सोरिंग के बारे में। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। अगर आप इसके बारे में और भी डिटेल्स पे जानना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, लाइक शेयर करिए, तभी इसके ऊपर और भी डिटेल्स पे वीडियो आएगा। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।